Hello everyone. In last video, we have started the lesson Madam Rides the Bus by the writer Vali Kannan. In that, we have seen the first two parts of this lesson. In the first part, we have seen the girl of 8 years old, Vali Ammai, who was shortly known as Vali, and her favorite pastime. She was standing outside or standing on the doorway and looking outside the street, as well as her favorite pastime to look the travelers traveling in the bus. And she had a wish to travel in the bus at least once. And we have also seen that she had planned and replanned to fulfill her overwhelming desire, and she collected monies and everything. And in the second part, we have seen that she was in the bus and she was having some other passengers with her, as well as some fun with her, as well as the sights she was seeing outside. That everything we have seen in the second part. Okay, and what was the joke that conductor was passing on her, that also we have seen. Okay, now we are going to see the third part. Let's see how her journey continues. Okay, now in the third part, let's see what happens. Her first journey. What careful, painstaking means attentive, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. ठीक है, अब ये उसकी first journey थी. पहली बार वो ऐसे वो travel करने वाली थी. So उसने attentively बहुत ही elaborately plan बनाया था. And वो थ्रिफ्टली मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली पैसे को स्पेंड करते हुए उसने अपने सारे टेम्पटेशन को ऐसे दबाकर उसने 60 पैसे जमा किए थे. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू द राइड मैरी गो राउंड even though she had the money. Resolutely stifled means suppressed. ठीक है, और सबसे मुश्किल उसके लिए कौन सा दिन था? मेले का दिन. उसको मैरी गो राउंड में राइड करना था, पर फिर भी उसके पास पैसे थे, फिर भी वो उसने अपनी जो डिज़ायर था उसको सप्रेस करती है, कंट्रोल करती है, और वो पैसे बचाती है, क्योंकि उसको जो उसका ओवरवेलमिंग डिज़ायर था, जो बस में ट्रैवल करना, वो फुलफिल करना था. इसलिए वो अपने सारे डिजायर को, दूसरे सारे डिजायर्स को वो सप्रेस करती है. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. अब उसने 60 पैसे तो जमा कर लिए, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो कैसे उसके मम्मी को बिना बताए घर से बाहर निकले और बस में ट्रैवल करे. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. ठीक है, पर यह उसके लिए कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो थी वो हर रोज खाना खाने के बाद 1 से 4 के बीच में सो जाती थी. वाली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स. As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Ventured out means went continuously or courageously. तो अब वाली जो थी वो उसी टाइम का भरपूर यूज़ करती थी उसके एक्सकर्जन के लिए, ट्रिप के लिए. ट्रिप मीन्स बाहर जो उसका डोरवे है उस पर खड़े रहकर बाहर क्या हो रहा है देखना, या फिर गलियों में घूमने जाना, ये सब कुछ वो उसी टाइम पर करती थी. टुडे द सेम आर्ट्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द
विलेज, और यही टाइम उसके फर्स्ट ट्रिप का भी टाइम होगा। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। हैमलेट मीन स्मॉल विलेज। अब वो एक स्मॉल बस जो है स्मॉल विलेज से होके गुजर रही है और सम ऑड शॉप है, दुकान है, वो उसे नजर आ रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल एंड दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। गॉबलिंग मीन्स ओवरटेक। समटाइम जो बस है वो दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करके आगे बढ़ती है और कुछ पैसेंजर्स, पेडेस्ट्रियंस मीन्स जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो भी नजर आते हैं उसे। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। और जो बस है safely सभी obstacles को पीछे रखते हुए आगे बढ़ रही है। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। ठीक है, जो trees है, हमने बस में travel किया है, बस में train में तो देखा होगा कि किस तरह से जब बस जा रही है तो सामने से जो ट्रीज है वो बहुत ही स्पीड में हमारी तरफ आते हुए लगते हैं और फिर जैसे ही बस और ट्री का आमना सामना होता है तो देखते हैं जैसे रुक गए हैं और फिर पीछे की तरफ स्पीड में चले जाते हैं। तो ये सब कुछ वाली देखती रहती है। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। ग्ली मीन्स खुशी से वो क्लैप करने लगती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर was running very fast right in the middle of the road right in front of the bus। ठीक है, और फिर वाली एक काउ को देखकर ताली बजा के खुशी से झूमने लगती है। क्यों? क्योंकि एक काउ जो है वो अपनी टेल को एयर में हाई करते हुए उठाते हुए जो बस है उसके आगे आगे दौड़ रही है। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again। ठीक है, बस है बहुत ही स्लो हो जाती है, ठीक है, जैसे क्रॉल करती हो वैसे, और जो ड्राइवर है वो जोर जोर से हॉर्न बजाता है। बट द मोर ही honked द मोर frightened द एनिमल बिकेम एंड द faster इट galloped। ठीक है, पर जैसे जोर से जितना तेजी से वो हॉर्न बजाता है उतना ही तेजी से वो गाय काव है वो उसके आगे भागती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डरती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा वो गाय जो है वो बस के सामने ही भागती है। सो हियर यू कैन सी दिस द पिक्चर, द काउ इज रनिंग साइड टू साइड ऑफ द बस। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वाली। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज। ठीक है, इतना हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. ठीक है, और बोलता है कि शायद तुमने बहुत हंस लिया, कुछ कल के लिए भी बचा लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near. ठीक है, अब जो बस है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर पहुँच जाती है और दूर से एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है ट्रेन का और धीरे धीरे वो बड़ा होता है और ट्रेन नज़दीक आती है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, और फिर वो तेजी से वहाँ से चली जाती है बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। From there it traverses means travel a busy well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Thoroughfare means here you can see that a busy public road। Thoroughfare से भी वो bus धीरे धीरे आगे निकलती है। Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise means things for sale। Such big crowds,
ठीक है, वो बहुत ही लोगों को वहाँ पर देखती है, बहुत सारी दुकानें को देखती है, और किस तरह से सब कुछ अच्छी तरह से वहाँ पे प्रेजेंट किया है वो सब चीज़ें वो बहुत ही आराम से, बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखती है। स्ट्रक्ट डम विथ वंडर, स्ट्रक्ट डम मीन्स सरप्राइज, वाली गेप्ट एट एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली, और फिर बस रुकती है और सब लोग बस में से नीचे उतर जाते हैं सिवाय वाली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। ठीक है, और फिर कंडक्टर उसे बोलते हैं कि तुम नहीं उतरोगे यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहाँ तक ही ले जा सकते हैं। और वाली क्या बोलती है, नो वाली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, क्या बोलती है, मैं इसी बस में वापस घर जाऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. ठीक है, कंडक्टर पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्यों तुम कहीं पे जाना नहीं चाहती, पर वाली क्या बोलती है, नहीं मैं तो सिर्फ बस में एक बार ट्रैवल करना चाहती थी, इसलिए मैं बस में बैठी हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। ठीक है, और कंडक्टर बोलती है, पर तुम अब यहाँ तक पहुँच ही गई हो, तो क्या तुम यहाँ देखना नहीं चाहोगी, साइट्स नहीं देखना चाहोगी। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। पर और तब वो क्या बोलती है, अब तक वो ऐसा बोल रही थी कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं ग्रोन अप लेडी हूँ, बहुत कुछ बोल रही थी, पर अब वो क्या बोलती है कि सब कुछ मैं अपने आप, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। पर वो क्या बोल, कंडक्टर क्या बोलते हैं, तुम क्यों ऐसा बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हें बस में अकेले आने की तो डर नहीं लगा, तो अब क्यों डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। पर वो क्या बोलती है कि बस में अकेले आने में कुछ डर जैसा नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई शी सेड सो, द रीजन बिकॉज शी हैड गैदर्ड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बस राइड। ठीक है, बस राइड के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी, इसलिए उसको बस में जर्नी करने में डर नहीं लग रहा है, पर अब टाउन में पहुंचने के बाद बस से नीचे उतर के कहीं जाने में उसे डर लग रहा है, क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। ठीक है, और फिर कंडक्टर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम कहीं और ना जाना चाहती हो तो, पर सामने ही वो दुकान है, उससे कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा लेकर पीना नहीं चाहोगी, उसमें तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, पर वो क्या बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, और फिर कंडक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें खरीद कर देख रहा हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। पर वो क्या बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। पर कंडक्टर क्या बोलते हैं कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं खरीद कर दूंगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स लैक ऑफ कंसर्न, एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन, देयर वेरेंट मैनी पैसेंजर्स। ठीक है, और फिर वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, दूसरे पैसेंजर्स का वेट करते हैं, और जैसे ही टाइम होता है तब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और इस बार भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। हियर सम ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आर देयर। द फर्स्ट इज, हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर, ओके शी हैड सप्रेस हर टेम्पटेशन एंड जस्ट कलेक्टेड द मनी, एंड वॉज इट ईजी फॉर हर, नो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू कलेक्ट द मनी स्पेशली एट द डे ऑफ दैट फेयर। ठीक है, मेले के दिन वो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। वॉट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, ओके दैट काउ वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइट फॉर हर एंड दैट लाफ्ड हर टू मच।
why didn't she get off the bus at the bus station? Okay, the reason she was afraid of that, and she did not have enough money to buy anything. That's why she did not come out of the bus. Fourth is, why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? Okay, she was afraid of that and she did not have enough money. As well as, what does this tell you about her? She was a little girl and she was afraid of the unknowing things, the things which she was not knowing. For that she was afraid. So these things tell about her. Now let's see the fourth part. Won't your mother be looking for you? Won't means will not. ठीक है, अब कंडक्टर पूछते कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेर द सेम वंडरफुल साइट्स. वाली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. ठीक है, वाली सब कुछ जब वो टाउन की तरफ आ रही थी, जितना अटेंटिवली सब कुछ देख रही थी और एंजॉय कर रही थी, उतने ही अटेंटिवली एंजॉय के साथ वो सब कुछ देखती है. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल. और फिर जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है तो वो जो काउ उसके सामने, उनके बस के सामने भाग रही थी, उस काउ को मरा हुआ रास्ते में पड़ा हुआ देखती है. शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी थी और उसकी वजह से वो काउ मर गई. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. ठीक है, और वो कंडक्टर को पूछती है क्या ये वही काउ नहीं है जो हमारे सामने हमारे आगे आगे दौड़ रही थी. द कंडक्टर nodded एंड शी was ओवरकम with sadness. और ये सुनते ही वो अब दुखी हो जाती है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blurred all over. Okay, spread eagled means spread out. ओके, अभी कुछ ही टाइम पहले वो जो काउ थी वो बहुत ही एक्साइटेड होके आगे आगे भाग रही थी. कितनी ब्यूटीफुल क्रिएचर था, और अब देखते हैं तो हॉरिबल कंडीशन में, डरावनी कंडीशन में अब उसके पैर ऐसे फैलाए हुए और चारों तरफ ब्लड है और लाइफलेस आइज, कुछ भी अब उसमें जान नहीं बची है. तो कुछ ही मोमेंट में ये क्या से क्या हो गया, ये देख कर वो बहुत ही सैड हो जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. हॉन्टेड हर मीन्स रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट. ठीक है, उसको बस वही चीज़ें बार बार याद आ रही है. डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मीन्स टू वीकन, उसको वीक बना रही है हर एंथुजियाज्म. उसके जो एंथुजियाज्म था, उसको जो बाहर देखना मज़ा आ रहा था, सरप्राइज हो रहा था उसे, वो सब कुछ अब धीरे धीरे वीक हो रहा है. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. शी सेट दस ग्लू टू हर सीट अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40. ठीक है, अब 3:40 का टाइम है, तब बस वहाँ पर उसके घर के सामने पहुँचती है, स्ट्रीट में पहुँचती है. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर I hope to see you again. ठीक है, और नीचे उतरती है और बोलती है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी. Okay madam, he answered her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. ठीक है, और फिर वो क्या बोलते हैं कंडक्टर, स्माइल देते हुए बोलते हैं कि तुम जब भी चाहो राइड करने के लिए आ सकती हो, पर अपने पैसे लाना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts.
द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, ठीक है। और जैसे ही वो एंटर होती है तो उसकी मदर है वो उसकी आंट के साथ, कोई साउथ स्ट्रीट से उसकी आंट है उसके साथ बात कर रही है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और वो एक चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स मीन्स बहुत ही बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जैसे ही बातें करना स्टार्ट करे कभी भी वो रुकती नहीं थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन, ठीक है। जैसे ही वाली एंटर होती है तो पूछती है तुम कहाँ गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, ठीक है, पर बस ऐसे ही पूछ लिया, उसको आंसर तो सुनना ही नहीं था। सो वाली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ हर विद देयर कन्वर्जेशन, और ऐसा पूछने के बाद बिना आंसर सुने वो अपनी बातों में फिर से बिजी हो जाते हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन अवर मिड्स, मिड्स मीन्स मिडल, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। वो बातें क्या कर रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है पर सभी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, कैसे हम सब कुछ पता कर सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और शायद हमने सब कुछ पता कर भी लिया तो भी शायद उसको समझ नहीं पाते हैं कम्प्लीटली। ओ यस ब्रीद वाली, और उसी बातें कर रहे हैं उसमें बीच में वाली बोलती है कि हाँ यू आर करेक्ट। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या बताया। ओ सेड वाली, आई वॉज जस्ट एग्रींग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, ठीक है। और वो क्या बोलती है वाली, मैं आप लोग जो बातें कर रहे थे उसे एग्री कर रही हूँ कि हमारे आसपास जो भी होता है उसमें से बहुत कुछ हमारी नॉलेज में नहीं होता है। शायद वो किस बारे में बात कर रही है कि वो कैसे चुपके से बस राइड करके आई है, उसके बारे में शायद वो बात कर रही है इसलिए वो ऐसा बोल रही है। जस्ट अ शीट ऑफ अ गर्ल, शीट मीन्स स्मॉल, कितनी छोटी सी लड़की है, पर शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्जेशन। पोक्स हर नोज मीन्स टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजेंट कंसर्न हर, ठीक है, उसकी उसके लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसी बातों में वो क्यों पढ़ती है। जस्ट एज दो शी वेयर अ ग्रोन लेडी, जैसे वो कोई बड़ी लेडी हो, ग्रोन अप लेडी हो, उसकी तरह क्यों हमारी बातों में टांगड़ाती है। वाली स्माइल टू हर सेल्फ, सी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देर, ठीक है। और वो स्माइल करती है और चाहती है कि उनको मीन्स उसकी आंट और उसकी मम्मी को उसके स्माइल का रहस्य पता ना चले, और शायद वो पता चलेगा भी नहीं। आपको क्या लग रहा है, उनको पता चलेगा कि नहीं? थिंक अबाउट दैट। हियर दिस लेसन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल, ओके, एक्चुअली द लेसन इज अ तमिल लेसन एंड ट्रांसलेटेड इन टू द इंग्लिश बाय के एस सुंदरम, सुंदरम के द्वारा, के एस सुंदरम के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है एंड इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण। सो दिस यू ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। हियर यू कैन सी द थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस आर दैट, थ्री क्वेश्चंस, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट क्वेश्चंस आर दैट विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सो हियर वी एंड दिस लेसन, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन एंड you have understood everything well. And if you have any query, you know my number. You can contact me on any time. My number is 8320608222. Or you can contact me on the another number 9033255323. So, read well, learn well. Have a nice day. Thank you. Bye-bye.